हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप सब ठीक होंगे। हमने अपने फिजिक्स क्लास 12 का जो टॉपिक पढ़ा था वो क्या था? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। आज हम ये सब पढ़ने जा रहे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। सो देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो निकाला वो किसके इक्वल था? आर इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री के इक्वल था। ठीक है, तो अब जब बात कर रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की, इसके बाद हम देखेंगे सीरीज में और पैरेलल में क्या डिफरेंस है और सीरीज पैर कनेक्शन कहाँ पे किया जाता है और पैरेलल कनेक्शन कहाँ पे किया जाता है। सो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का हमारा टॉपिक पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में सपोज कीजिए मेरे पास ये कोई रेजिस्टेंस है, दिस इज रेजिस्टेंस आर वन। नेक्स्ट कोई रेजिस्टेंस है, दिस इज रेजिस्टेंस आर टू। एंड नेक्स्ट कोई रेजिस्टेंस में ले सकती हूँ, दिस इज रेजिस्टेंस आर थ्री। आपकी चॉइस है, टू थ्री फोर फाइव कितने भी आप ले सकते हो। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या कहता है? ये सब के स्टार्ट टर्मिनल है तो इन सब स्टार्ट टर्मिनल को एक साथ अटैच कर देंगे। ठीक है, इस तरह से। और ये जो हमारे क्या है एंड टर्मिनल है इन रेजिस्टेंसेस के, इन एंड टर्मिनल्स को सबको एक साथ अटैच करेंगे। सो ये सब यहां पर अटैच कर दिए और ये बन गया हमारा एक कॉमन टर्मिनल। ठीक है, तो सीरीज को स्टार्ट पॉइंट्स को सबको एक साथ अटैच किया है, एंड पॉइंट को सबको एक साथ अटैच किया है। तो इस तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की जो डेफिनेशन बनती है वो हमारी क्या बन रही है? हमने किया स्टार्ट टू स्टार्ट कनेक्शन, मीन स्टार्टिंग टर्मिनल्स को सबको एक साथ कनेक्ट किया है, एंड एंड टू एंड कनेक्शन, एंड टर्मिनल को सबको एक साथ अटैच किया है। तो ये क्या निकल गई हमारी डेफिनेशन फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, जब हमने इन सबको अटैच कर दिया तो ये मेरे पास एक कॉमन टर्मिनल आ गया स्टार्टिंग वालों से, ये एक कॉमन टर्मिनल आ गया एंड वालों से। इन कॉमन टर्मिनल के क्रॉस में इसको सीजिए कोई वोल्टेज सोर्स लगा दिया, दैट इज वी वोल्ट। ठीक है, वी वोल्ट का मैंने क्या अटैच कर दिया, कोई वोल्टेज सोर्स यहाँ पर अटैच कर दिया है। सो वी वोल्ट का वोल्टेज सोर्स इन रेजिस्टेंसेज के अक्रॉस लगाते ही होगा क्या? वी वोल्टेज सोर्स का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल। तो हमें क्या पता है पॉजिटिव टर्मिनल से करंट रिलीज हुआ, तो सपोज कीजिए यहां से आई अमाउंट का करंट रिलीज हुआ। ठीक है, ये आई अमाउंट का करंट क्या करेगा? सर्किट के अंदर से फ्लो करेगा। ठीक है, तो सर्किट के अंदर से जब ये फ्लो कर रहा है तो कैसे जा रहा है? ये इस रास्ते से गया यहां तक, फिर इस रास्ते से गया यहां तक, फिर इस रास्ते से गया अप टू दिस पॉइंट। लेकिन इस पॉइंट पर जाने के बाद हुआ क्या, करंट के पास बहुत सारे रास्ते बन गए हैं। ठीक है, एक इधर रास्ता बन रहा है, एक रास्ता इधर बन रहा है, एक रास्ता इधर बन रहा है। और जैसे ही हमने पहले बात की थी करंट क्या होती है, एक धारा होती है, जहां जहां पे भी उसको पाथ नजर आएगा वो उसी रास्ते पे चल पड़ेगी। यहाँ पर इसको थ्री पाथ्स नजर आ रहे हैं तो तीनों रास्तों पे क्या होगा, जैसे पानी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है जहां जहां दो लाइन एरिया होता है उसी तरफ पानी की धाराएं अलग अलग निकल जाती है, ऐसे ही इस करंट की भी अलग अलग निकल जाएगी। सो सपोज कीजिए आर वन रेजिस्टेंस के पास गया आई वन करंट, आर टू रेजिस्टेंस के अंदर से गया आई टू करंट, एंड आर थ्री रेजिस्टेंस के क्रॉस गया आई थ्री। अब तो दिस पॉइंट करंट था हमारा आई, अब यहां से आई वन करंट आया इस रेजिस्टेंस के अंदर से, आई वन करंट आ रहा है और इस पॉइंट पे पहुंच गया। सिमिलरली इधर से आई टू करंट आ रहा है और इस पॉइंट तक पहुंच जाएगा, यहां से आई थ्री करंट आएगा और इस पॉइंट तक आ जाएगा। यहां से आया हमारा आई वन करंट, यहां से आ रहा है आई टू करंट और इस ब्रांच से आ जाएगा वापस आई थ्री करंट। अब ये तीनों करंट क्या करेंगे, इस पॉइंट के ऊपर मीट करेंगे और मीट करके फिर से आई वन आई टू और आई थ्री का कॉम्बिनेशन क्या बन जाएगा, आई करंट। सो यहां से फिर से आई करंट रिलीज हुआ और ये आई करंट इस रास्ते से होते हुए नेगेटिव टर्मिनल की तरफ वापस आ गया। ठीक है, तो हमने देख लिया कि करंट कैसे इस सर्किट के अंदर ट्रेवल किया। अब इस सर्किट में हमें कैसे पता चला कि ये पैरेलल है, करंट क्या हो रहा है, डिवाइड हो गया है। जो करंट यहां से निकला हर ब्रांच में उतना करंट नहीं मिला, जिस जिस ब्रांच में करंट का कुछ हिस्से डिवाइड हुए उसी कनेक्शन को हम क्या कहते हैं, पैरेलल कनेक्शन। तो यहां पर पैरेलल कॉम्बिनेशन की हमारे पास क्या निकल गई, कुछ कंडीशन यहां से निकल गई है। तो कंडीशन क्या निकली, जब हमने करंट को फ्लो कराया तो वो बीच में क्या हुआ, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हुआ। ठीक है, सो करंट क्या हुआ, यहाँ पे डिवाइड हुआ और जिस जिस पार्ट के अंदर करंट
डिवाइड हुआ उन्हीं सब सेट्स को हमने क्या बोला पैरेलल। तो इनमें डिवाइड हुआ तो ये तीनों ही क्या हुए पैरेलल में कनेक्ट हुए। सेकेंड थिंग हम देखेंगे वोल्टेज से रिलेटेड, और हमने बात की थी वोल्टेज क्या होती है दो पॉइंट के बीच में सेट होती है, ठीक है, दो पॉइंट के बीच में। दो पॉइंट क्या होंगे वो देखिए, ये कोई सोर्स है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, दिस इज सिंपल है वायर। तो यहां पर भी नेगेटिव टर्मिनल बना, यहां पर इस वोल्टेज का पॉजिटिव टर्मिनल बन रहा है, वी वोल्ट की वोल्टेज ही जाती है, ठीक है। अब यहां पर भी देखिए सिंपल एक वायर है, कोई कंज्यूमर नहीं लगा हुआ, ना कोई रेजिस्टर है, ना कोई इंडक्टर है, ना कोई कैपेसिटर है। जब तक इन तीनों कंज्यूमर्स में से कोई भी कंज्यूमर यहाँ पे कनेक्ट नहीं है, वोल्टेज हमारी सेम चलेगी। सो नेगेटिव यहाँ पे टर्मिनल, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल, जितनी वोल्टेज इन दो पॉइंट के क्रॉस की, यहाँ पर कोई डिवाइस नहीं है तो उतनी ही वोल्टेज इन दो पॉइंट के बीच में सेट होती है, ठीक है। अब यहाँ पर जितनी वोल्टेज है उतनी ही वोल्टेज इन दो पॉइंट के बीच में सेट होगी, क्योंकि यहाँ पर भी बीच में कोई कंज्यूमर नहीं है, सिंपल एक वायर है। जब इनके बीच में सेट होते इधर भी कोई कंज्यूमर नहीं, यहाँ पर भी वी वोल्ट आई, इधर भी कोई कंज्यूमर नहीं है तो यहाँ पर भी वी वोल्ट आ रही है, इस लाइन में भी कोई कंज्यूमर नहीं है तो यहाँ पर भी क्या आ रही है वी वोल्ट आ रही है। जब तक बीच में कोई डिवाइस नहीं आएगा, सिंपल एक वायर आ रही है, तब तक हमारी वोल्टेज डिवाइड नहीं होगी, क्योंकि वोल्टेज तब ड्रॉप होता है, ठीक है। जब हम बात करें ना कंज्यूमर की, रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर, दीज थ्री आर द इलेक्ट्रिक कंज्यूमर, ये होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के कंज्यूमर। और जब ये रास्ते में आ जाते हैं क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं किस चीज को, इलेक्ट्रिसिटी को। और जब ये इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करते हैं तो होता क्या है, वोल्टेज का ड्रॉप होता है। क्या होता है, वोल्टेज का ड्रॉप होता है, मतलब वोल्टेज कम हो जाती है, कुछ ना कुछ उसके अक्रॉस खत्म हो जाती है, ठीक है। तो कोई कंज्यूमर नहीं था, कोई वोल्टेज खत्म फिनिश नहीं हो रही, तो सारे के सारे वोल्टेज यहां से जितनी चली उतनी ही वोल्टेज इन तीनों डिवाइसेस के अक्रॉस सेट हो गई है ना। तो वी वोल्ट थी तो यहाँ पर भी वी पहुंची, यहाँ पर भी वी, यहाँ पर भी वी। तो हमें दूसरी चीज क्या मिली कि पैरेलल के केस में वोल्टेज हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है, वोल्टेज क्या रहती है, सेम रहती है। कंडीशन हमें मिल गई है यहाँ से, करंट होता है डिवाइड, वोल्टेज रहती है सेम। पिछले जो लेक्चर में हमने बात की थी सीरीज की, तो वहां पे हमने क्या देखा था, जो चीजें डिवाइड होती है इक्वेशन हम हमेशा उसी के लिए सोल्व करते हैं। सो यहाँ पर डिवाइड क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है करंट, सो मैं करंट के लिए इक्वेशन सोल्व करूंगी। सो आई इज इक्वल टू कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ ये आई अमाउंट का करंट, थ्री पार्ट्स में, आई वन, आई टू और आई थ्री। सो ये आ गया आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री, इस तरह से थ्री पार्ट्स में हमारा करंट डिवाइड हो गया। फिर से हम ओम्स लॉ पे जाएंगे, और ओम्स लॉ क्या कहता है, आई इज इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन में आर। एज पर ओम्स लॉ हम फॉर्मूला निकालेंगे, सो आई के प्लेस पे मैं क्या पुट कर सकती हूँ, वी अपॉन में आर। सो दिस इज द करंट अक्रॉस रेजिस्टेंस आर वन, सो ये क्या हो जाएगा, वी अपॉन में आर वन, क्योंकि वोल्टेज सेम है और ये किसके अक्रॉस है, करंट आर वन रेजिस्टेंस के अक्रॉस है। सो यहां से देखिए I2 करंट किसके क्रॉस है, R2 रेजिस्टेंस के क्रॉस है, तो इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, V अपॉन में R2। सिमिलरली I3 जो करंट है ये किसके क्रॉस है, ये R3 रेजिस्टेंस के क्रॉस है, सो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, V अपॉन में R3। सो ये आ गया हमारे पास क्या फॉर्मूला, पुट वैल्यू पुट करने के बाद, सो इसमें आप देखिए जो चीज कॉमन है उसे बाहर ले, तो V क्या है, सब में कॉमन है, V को मैं बाहर लिखूं, सो V अपॉन में R इज इक्वल टू V अपॉन में R1 प्लस V, सॉरी V को हमने क्या लिया है, बाहर ले लिया है, सो अंदर क्या बचा, 1 अपॉन में R1, यहां से बच गया 1 अपॉन में R2, और यहां से क्या बच गया, V अपॉन में R1 अपॉन में R3। तो देखिए V से V क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है, सो 1 अपॉन में R इज इक्वल टू क्या है, 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन में R3। सो आगे हमारे पास R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन में R3। दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन केस ऑफ पैरेलल, पैरेलल सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। आगे बढ़ने से पहले देखिए हमने किया क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में तीन रेजिस्टेंस लिए हैं,
सबके स्टार्ट पॉइंट्स को एक साथ कनेक्ट कर दिया, एक कॉमन टर्मिनल आ गया। सबके एंड पॉइंट को एक साथ अटैच कर दिया, नेक्स्ट कॉमन टर्मिनल आ गया। स्टार्ट के कॉमन टर्मिनल और एंड के कॉमन टर्मिनल के क्रॉस हमने क्या किया, एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट किया है। जब हम वोल्टेज सोर्स लगाएंगे तो ये सोर्स क्या करेगा, कुछ अमाउंट का करंट रिलीज करेगा। इसने आई अमाउंट का करंट दिया, हमने आई अमाउंट के करंट को इस पूरे पार्क से रोटेट कराया, देखा यहाँ तक ये सेम था, लेकिन आगे जाके ये क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो हमें क्या पता चला, इसी को तो हमने पैरेलल सेट बोला था, यही पे करंट डिवाइड हो रहा है। तो पैरेलल की कंडीशन आ गई, करंट होता है वहां पे डिवाइड। लेकिन जब बात की वोल्टेज की, तो वोल्टेज क्या होती है, दो टर्मिनल के क्रॉस सेट होती है। जब तक बीच में इन तीनों में से कोई कंज्यूमर ना आ जाए, वोल्टेज का ड्रॉप नहीं होता है। तो यहाँ एक सिंपल वायर है, एक भी सिंपल वायर है, कोई कंज्यूमर नहीं, तो जितनी वोल्टेज इन दो पॉइंट में थी उतनी आगे चली, उतनी इधर आई और उतनी ही इन सबके क्रॉस सेट हो गई। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या लिख दिया, वोल्टेज क्या रहती है पैरेलल के केस में, सेम रहती है। सो जब भी हम बात करते हैं इक्विवेलेंट निकालने के लिए, तो इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम क्या देखते हैं, जो चीज डिवाइड होती है इक्वेशन हम हमेशा उसी की निकालते हैं। सो डिवाइड हो रहा था करंट, सो मैंने करंट की इक्वेशन निकाली। करंट कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ, थ्री पार्ट्स में। सो आई इज इक्वल टू आई वन आई टू आई थ्री। ओम्स लॉ से मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी, जो भी करंट जिस भी रेजिस्टेंस के क्रॉस था वही रेजिस्टेंस पुट हो गया वहां पे, जो चीज कॉमन थी बाहर आके कैंसिल आउट हो गई और ये निकल गया हमारा आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब देखिए बात करते हैं कि इस तरह से अगर कोई पैरेलल सर्किट हमें गिवन है तो फिर हम उसको किस तरह से सिंप्लीफाई कर पाएंगे। सपोज लीजिए यही मेरे पास कोई रेजिस्टेंस गिवन है, ये तीन रेजिस्टेंसेस है और इनकी कुछ वैल्यू मुझे गिवन है। इनकी जो वैल्यू गिवन है, सपोज कीजिए आर वन मेरे पास गिवन है, तीनों सपोज कर लेते हैं हम, 10 10 ओम, ठीक है, या 2 2 ओम जिसमें भी आप कंसिडर कर सकते हो। सो मैंने गिवन फिर कर लिया, ये भी 10 ओम है, इसकी वैल्यू भी 10 ओम है और इसकी वैल्यू भी कितनी है, 10 ओम है। और फिर हमें कोई कहता है कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, तो हम क्या करेंगे, इसके क्रॉस कोई सोर्स अटैच करेंगे कॉमन टर्मिनल्स के क्रॉस और सोर्स के थ्रू देखेंगे करंट डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, करंट तो हमें पता है, दिख ही रहा है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, करंट डिवाइड हो रहा है तो क्या होगा, पैरेलल। हमेशा हर सर्किट को सोल्व करते हुए यही देखेंगे, करंट को मूव कराएंगे। अगर करंट आपका सेम रहता है तो सीरीज कनेक्शन होगा, करंट डिवाइड हो गया है तो पैरेलल कनेक्शन हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए करंट डिवाइड हो रहा है, कैसा कनेक्शन है, पैरेलल कनेक्शन है। अब पैरेलल कनेक्शन तो आर वन आर टू आर थ्री की वैल्यू हमें पता है। सो हमें क्या पता है, अगर हमें निकालना है आर इक्विवेलेंट, ठीक है, आर इक्विवेलेंट हमें निकालना है, तो आर इक्विवेलेंट किसके इक्वल होता है, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू वन अपॉन में आर वन, वन अपॉन में आर इक्विवेलेंट। ठीक है, पैरेलल का फॉर्मूला लगा लिया, वन अपॉन में आर टू प्लस वन अपॉन में आर थ्री, पैरेलल पुट करते हैं वन अपॉन में 10 प्लस वन अपॉन में 10 आर टू की वैल्यू प्लस वन अपॉन में 10 आर थ्री की वैल्यू पुट कर दी, एलसीएम लेंगे कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, ऊपर क्या हो गया, 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 अपॉन में 10। ये किसके इक्वल है, 1 अपॉन में आर इक्विवेलेंट के इक्वल है। लेकिन मुझे क्या निकालना, आर इक्विवेलेंट निकालना है। सो इधर रेसिप्रोकल करूंगी तो उधर भी कर दूंगी, सो आर इक्विवेलेंट किसके इक्वल आ गया, इधर रेसिप्रोकल कीजिए, 10 अपॉन में 3 के इक्वल। ठीक है, 10 अपॉन में 3 ओम, ये आ गया हमारे पास आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन केस ऑफ पैरेलल। अब देखिए आर इक्विवेलेंट आ गया, अगर इन दोनों में से मुझे किसी एक चीज की वैल्यू गिवन हो तो मैं नेक्स्ट चीज की वैल्यू निकाल सकती हूँ ड्यू टू ओम्स लॉ। जैसे अगर सपोज कीजिए आर की वैल्यू गिवन है इज इक्वल टू 3 एम्पियर, आई है 3 एम्पियर, तो वी की वैल्यू अगर हमें कैलकुलेट करनी हो तो हम इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, वी इज इक्वल टू आई इन टू आर। और अगर वी की गिवन होती है आई की कैलकुलेट करनी होती फिर क्या करते, आई की कैलकुलेट करनी है ना तो आई को रखेंगे इस तरफ, सो आई इज इक्वल टू क्या हो जाता, वी अपॉन में आर। ठीक है, तो अभी मुझे वी की निकालना है तो वी इज इक्वल टू क्या होता है, आई इन टू आर। आई की वैल्यू कितनी है 3, आर की वैल्यू क्या है 10 अपॉन में 3, सो 3 से 3 कैंसिल आउट, वोल्टेज कितनी आ गई 10 वोल्ट। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सर्किट के अंदर वोल्टेज करंट और आर इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। अभी तक हम बात कर रहे थे कि सीरीज
में कि आर्क इक्विवेलेंट कैसे निकलता है, पैरेलल में कैसे निकलता है। अब बात करेंगे कि अगर सीरीज पैरेलल कंबाइंड है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कौन से सीरीज में है और कौन सा सेट पैरेलल में, उसको किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे। सो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब सीरीज और पैरेलल जब दोनों एक साथ इक्विवेलेंट है तो उनको किस तरह से सिंप्लीफाई किया जाता है। तो सपोज कर लेते हैं कोई भी सर्किट अपनी तरफ से कंसीडर कर रही है, आपको भी इस तरह से सर्किट कंसीडर करके कोई भी इस तरह सोल्व करने की कोशिश करनी है। सो मैंने सपोज कर लिया ये मेरे पास कोई दो रेजिस्टेंसेस हैं जो इस तरह से अटैच है। ये रेजिस्टेंस है 2 ओम का, ये भी है 2 ओम का। इनके साथ यहां पर एक 1 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। सिमिलरली इसके साथ यहां पर क्या है, एक 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है और यहां नीचे एक 4 ओम का रेजिस्टेंस इस तरह से लगा हुआ है। एंड फाइनली इस सेट को एक सोर्स के अक्रॉस अटैच किया गया है। दिस इज द वोल्टेज सोर्स कि हमारे पास आ गया है। तो सपोज कीजिए 20 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा रखा है यहाँ पे। और अब हमसे किसी ने पूछा है कि इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए, तो हमने क्या बात की थी, हम हमेशा करंट को ट्रेवल कराएंगे पूरे पाथ से। तो देखिए यहाँ पर 20 वोल्ट का सोर्स है, तो ये है इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये है नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव से करंट क्या होता है, रिलीज होता है। यहां से आया आई अमाउंट का करंट, यहां से जो आई अमाउंट का करंट आया ये फ्लो किया इस तरह से, यहां तक इसके पास एक ही पाथ था, इस तरह से ये आ रहा था। इस नोड पर जाने के बाद उसके पास इधर भी जाने का रास्ता है और इधर भी जाने का रास्ता है। तो इधर करंट गया सपोज कीजिए आई वन, इधर करंट गया आई टू। इस तरह से हमने डिवाइड कर दिया क्योंकि पाथ अलग अलग थे। सो हमने यहां से क्या दिख गया कि ऊपर वाली पूरी ब्रांच नीचे वाली पूरी ब्रांच के साथ किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड। मतलब पूरे ऊपर वाले सब रेजिस्टेंस नीचे वाले रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में कनेक्ट है। क्यों, क्योंकि ऊपर वाली पूरी ब्रांच में जो करंट जा रहा है और इस ब्रांच में जो करंट आ रहा है, ये दोनों क्या हो रहे हैं, इस आई करंट को डिवाइड करके आ रहे हैं। ठीक है, तो अब आई टू करंट यहां से निकला, ये गया यहां पर, यहां पे आई टू था, इस रेजिस्टेंस में भी गया आई टू, यहां तक ये आई टू है ना। अब आगे जाने के बाद क्या हुआ, इस पॉइंट पे जाने के बाद इसके पास फिर दो रास्ते हैं, ऊपर जाने का भी नीचे आने का भी। तो ऊपर गया सपोज कीजिए आई टू टू रेजिस्टेंस और नीचे आ गया आई टू वन रेजिस्टेंस। ठीक है, करंट क्या हुआ, इस पॉइंट पे डिवाइड हुआ, तो ये दोनों भी किसमें कनेक्ट हो गए, ये दोनों भी कनेक्ट हो गए पैरेलल में। अब देखिए यहां से आई टू टू करंट है, यहां से आई टू वन करंट है, इधर से आ गए आई टू टू और यहां पर आ गया आई टू वन। ये दोनों इस मोड पर फिर से वापस आके क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं। आई टू टू और आई टू वन मिलकर क्या बनाएंगे, आई टू करंट बनाएंगे। तो यहां से वापस क्या निकल रहा है, आई टू करंट वापस निकल रहा है। सो देखिए इस ब्रांच में आई टू करंट आया, सो आई टू करंट इस रेजिस्टेंस से पास हो रहा है। अब एक चीज नोटिस कीजिए, या इस रेजिस्टेंस में कितना करंट था, आई टू था, इस रेजिस्टेंस में कितना करंट है, आई टू। इट मीन्स ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस किस में कनेक्टेड है, सीरीज में। ये नहीं ध्यान देना होता, कभी कभी क्या होता है कि उन दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं होता, इसके टर्मिनल इसके साथ अटैच नहीं है, बीच में एक सेट आ गया, चाहे बीच में कितने भी नंबर ऑफ सेट्स आ जाए, आप सिर्फ करंट की वैल्यू देखिए, जिस जिस ब्रांच में करंट सेम होगा वो सब ब्रांच क्या होंगी, सीरीज में कनेक्ट होंगी। ठीक है, तो यहां से 2 और 1 सीरीज में कनेक्ट है ये मुझे मिल गया, तो मैं डायरेक्ट सॉल्व कर दूं, 2 और 1 दोनों सीरीज में है तो मैं यहां से ये भी लिख सकती हूँ कि इन दोनों को ऐड करूंगी तो 2+1 3 ओम इन दोनों का बन जाएगा। तो इन दोनों को मैं एक साथ लगा सकती हूँ, चाहे इधर लगा दू चाहे इधर लगा दू। ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसे सोल्व करना चाहते हो तो ठीक है, अदरवाइज अगर आपको ऐसा समझ नहीं आ रहा तो फिर हम एक एक चीज को सेट करके सोल्व करते जाते हैं। तो देखिए दूसरा तरीका क्या है, सबसे मेन चीज आई टू है, इधर भी आई टू, आई टू डिवाइड हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, पूरी ब्रांच में कॉमन करंट करने के लिए इन दोनों का पैरेलल सोल्व कर दू, क्योंकि दोनों किसमें है, पैरेलल में, दोनों पैरेलल में, इनको पहले क्या सिंप्लीफाई कर देता है। सो पैरेलल में 1 ओम में आर इक्विवेलेंट किसके इक्वल होता है, 1 ओम में R1 + 1 ओम में R2। एलसीएम ले लें R1 R2
इक्विवेलेंट। अब मैं ये फॉर्मूला यूज करने के बजाय डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करूंगी ताकि हम जल्दी से जल्दी न्यूमेरिकल सोल्व कर पाए। यहां से देखिए आर वन भी टू ओम का है, आर टू भी टू ओम का, किसी को भी आर वन मानिए किसी को भी आर टू मानिए एज पर योर चॉइस। सो दोनों है टू टू ओम के, तो टू मल्टीप्लाई टू हो गया, नीचे क्या हो गया टू प्लस टू इट्स फोर, और ये भी हो गया फोर, फोर से फोर कैसा हो क्या बन गया वन ओम। इट मीन्स इन दोनों का कंबाइंड सेट इसके बराबर है, वन के बराबर है। तो कंबाइंड सेट तो दोनों की जगह लग सकता है, तो मैंने दोनों की जगह पे क्या कर दिया, इन दोनों का जो कंबाइंड रेजिस्टेंस है वो कनेक्ट करते चलेंगे, ठीक है, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता दोनों के कॉम्बिनेशन से ही ये बना है, चाहे मैं इंडिविजुअल को लगाऊ चाहे मैं कॉम्बिनेशन को लगाऊ, सर्किट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो मैंने कॉम्बिनेशन को लगा दिया, कॉम्बिनेशन आ रहा दोनों का वन ओम। अब जब दोनों को कंबाइन कर दिया तो दोनों का करंट भी कंबाइन हो गया कि नहीं हो गया, दोनों को करंट क्या बन गया, मिलकर क्या बन गया आई क्यू, तो यहाँ पे भी अब क्या जा रहा है आई क्यू, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी आई क्यू, इसमें भी आई क्यू, इसमें भी आई क्यू, अब क्या हुआ ये तीनों ब्रांच इसमें कनेक्ट हुई सीरीज में, क्यों, क्योंकि तीनों में करंट क्या है सेम है। तो अब देखिए ये वन ओम, वन ओम प्लस वन ओम, तो वन प्लस टू इसके इक्वल आ गया फोर ओम के इक्वल आ गया, ठीक है। तो इन तीनों का इक्विवेलेंट जो सीरीज इक्विवेलेंट बना वो क्या बन गया फोर ओम। इन तीनों को हटा के मैं क्या कर सकती हूँ, मैं चाहूं तो यहाँ पर फोर ओम रेजिस्टेंस लगा सकती हूँ, ठीक है। हमेशा याद रखना है इक्विवेलेंट को बनाते जाइए, उनको हटाइए और उनकी जगह पर उसको अटैच करते जाइए। अगर इस तरह से आपने चार पांच न्यूमेरिकल सोल्व कर दिए तो आपको बार बार सर्किट फिर प्लॉट करने की लीड नहीं होगी। सो देखिए मैंने यहाँ पर इसका इक्विवेलेंट ड्रॉ कर दिया, इसका इक्विवेलेंट कितना है फोर ओम हो गया, नीचे क्या है फोर ओम, यहाँ पर क्या हुआ आई वन करंट है, ऊपर जा रहा है आई टू करंट। इट मीन्स दोनों ब्रांच किसमें है पैरेलल में, तो दोबारा से इनका पैरेलल सोल्व करेंगे। इनका पैरेलल सोल्व कैसे होगा, आर वन मल्टीप्लाई आर टू अपॉन में आर वन प्लस आर टू, फोर फोर जा सिक्सटीन अपॉन फोर प्लस फोर एट, एट वन जा एट टू जा इट्स इक्वल टू टू। सो नेट रेजिस्टेंस क्या आ गया टू ओम। इट मीन्स अब अगर इन दोनों को मैं हटा के लगाना चाहूं तो क्या लगा सकती हूँ, इन दोनों को आपको समझ आया होगा। स्टे होम स्टे हैप्पी।